जब भी आपको मीठा खाने का मन करे या फिर व्रत उपवास हो, लौकी की शानदार रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। इसे बनाने में आपको 15 से 20 मिनट का ही टाइम लगेगा और बहुत ही शानदार और स्वादिष्ट आपकी रेसिपी बनके तैयार होगी। हेलो दोस्तों, टेस्टी ट्रीट्स विद नीतू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपको मेरी रेसिपीज थोड़ी भी अच्छी लगती है तो इसे लाइक शेयर और टेस्टी ट्रीट्स विद नीतू को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। लौकी की शानदार रेसिपी को बनाने के लिए दोस्तों मैं ले रही हूँ यहाँ पर हाइब्रिड लौकी। ये मेरे घर पर पड़ी हुई थी तो आज मैं इसी से आपको रेसिपी बना के बता रही हूँ। यह कद्दू और लौकी दोनों का मिक्स रूप है तो मैंने सोचा कि आज मैं इसी से हलवा बना के देखती हूँ कि कैसा बनता है। तो आज हम बना रहे हैं लौकी का हलवा। तो यहाँ मैं आधी लौकी का ही इस्तेमाल करने वाली हूँ, आधी लौकी से एक अलग रेसिपी बनाऊँगी। सबसे पहले हम लौकी को लंबे लंबे टुकड़ों में कट कर लेंगे जिससे इसे छीलने में और इसके बीज निकालने में आसानी रहेगी। इस तरह से पहले हमें लौकी को कट कर लेना और फिर इसके अंदर के बीज को हमें हटा देना है और इसके हम बाहर के छिलकों को भी निकाल लेंगे। और ये लीजिए दोस्तों, मैंने सारी ही लौकी को अच्छे से छिल करके साफ कर लिया है और इन्हें धो करके भी ले लिया है। अब हम कर लेंगे लौकी के बड़े बड़े पीस। हमें इसे घिसने की भी ज़रूरत नहीं, आज बिना घिसे ही हम डायरेक्ट कुकर में बहुत ही शानदार हलवा बनाएंगे, वो भी बिना मावा के, सिर्फ एक गिलास दूध से। तो इस तरह से पहले हम सारी ही लौकी को कट कर लेते हैं। यहाँ मैंने सारी ही लौकी को कट कर लिया है तो अब चलेंगे हम अगली प्रोसेस के लिए। तो इसके लिए मैं चढ़ा रही हूँ गैस पर एक कुकर और फ्लेम को कर देंगे ऑन और मैं इसमें डालूँगी एक बड़ा चम्मच घी। जैसे ही घी हल्का गर्म होगा तो हम इसमें डाल देंगे कटे हुए काजू और बादाम। आप अपनी पसंद से कोई भी ड्राई फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं। लो मीडियम फ्लेम के ऊपर हमें इन्हें हल्का सा रोस्ट कर लेना है और जैसे ही काजू और बादाम हल्के से रोस्ट होंगे तो मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ी सी किशमिश और किशमिश को डालकर हमें तुरंत ही फ्लेम को बंद कर देना है जिससे किशमिश जलेगी नहीं, क्योंकि किशमिश बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाती है। और ये देखिए, ये बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गई है। तो अब हम सारी ही चीज़ों को अलग निकाल लेते हैं और फिर से इसी कुकर को चढ़ा देंगे गैस पर। कुकर में हम डाल देंगे एक बड़ा चम्मच इतना घी और इसमें डालेंगे हम कटी हुई लौकी को। हमें ज़्यादा घी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इतने ही घी में हमारी बहुत ही शानदार रेसिपी तैयार हो जाएगी। और लौकी के साथ ही मैं डाल रही हूँ एक गिलास भर के फुल फैट मिल्क और साथ में ही इस स्टेज पर हमें डाल देना है नारियल का बुरादा। इससे ना हमारी लौकी के हलवे में बहुत ही शानदार टेस्ट आएगा। एक बार दोस्तों आप भी इसे डालकर हलवा ज़रूर से बनाना। और अब हम लगा देंगे कुकर का ढक्कन और मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर हमें 3 विसल आने तक इसे पका लेना है। और ये लीजिए, कुकर में आ गई ये 3 सीटी। तो अब मैं कर दूंगी फ्लेम को बंद और कुकर का पूरा प्रेशर रिलीज होने तक हमें इसे रखे रखना है। जैसे ही कुकर ठंडा होगा तो हम इसे खोल कर देखेंगे। और ये लीजिए, बहुत ही बढ़िया से हमारी लौकी पक गई है और दूध भी देखिए एकदम दानेदार सा बन गया है जो इसमें मावे का टेक्सचर देगा। हम लेंगे एक पाव भाजी मेशर और इस सारी ही लौकी को हमें कर लेना है मेश। इस तरह से मेश करने से ना दोस्तों हमारा काम बहुत ही आसान हो जाएगा और लौकी में लच्छे भी बने रहेंगे। जिस तरह से हम ग्रेट करके हलवा बनाते हैं सेम वैसे ही इससे भी हलवा बनेगा। तो ये लीजिए, मैंने सारी ही लौकी को कर लिया है अच्छे से मैश। तो अब मैं फटाफट से फिर से चढ़ा दूंगी कुकर को गैस पर और हाई फ्लेम के ऊपर इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे जिससे लौकी का सारा ही पानी कट जाएगा। गैस पर कुकर को चढ़ाने के 1 से 2 मिनट के बाद ही आप देख सकते हैं दोस्तों कि लौकी गाढ़ा होने लग गई है। तो इस स्टेज पर मैं इसमें डाल रही हूँ 3 बड़ा चम्मच मलाई।
लौकी के हलवे में एकदम मावे जैसा टेस्ट लाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ एक सेशे मिल्क पाउडर। आप मिल्क पाउडर की जगह डेयरी वाइटनर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब सभी चीज़ों को कर लेना है अच्छे से मिक्स और लगातार चलाते हुए इसे पकाना है जिससे यह तले पर चिपकेगा नहीं। इस तरह से जब भी कभी आपके घर में अचानक से मेहमान आए और कुछ मीठा बनाना हो तो आप लौकी के हलवे को ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह से हलवा बनाने में ना आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और फटाफट से आपका हलवा बनके तैयार हो जाएगा। बच्चे हो या फिर बड़े जो लौकी खाना पसंद नहीं करते हैं वो भी इस हलवे को मांग मांग करके खाएंगे। और ये लीजिए दोस्तों, बातों ही बातों में हमारा हलवा अच्छे से गाढ़ा होने लग गया है। तो इस स्टेज पर फ्लेवर के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ कुटी हुई हरी इलायची और साथ में ही डालना है 8 से 10 बड़ा चम्मच शुगर। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग दोस्तों आप शुगर की मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये एकदम परफेक्ट है क्योंकि हलवा थोड़ा सा मीठा होता है तभी अच्छा लगता है। तो अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 4 से 5 मिनट और हलवे को हम पका लेंगे जिससे शुगर का सारा ही पानी रिलीज हो जाएगा। मैं इसमें डाल रही हूँ दोस्तों थोड़ा सा ग्रीन कलर, यदि आप पसंद करते हैं तो इसे डालिए वरना स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन आप मेहमानों के लिए हलवा बनाएं तो इसे ज़रूर से डालें जिससे हलवा बिल्कुल हलवा ही हो जैसा लगेगा। और ये लीजिए दोस्तों हमारा हलवा बनके तैयार हो गया है। तो इस स्टेज पर अब हम डाल देंगे इसमें रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट्स। यदि आप बर्फी बनाना चाहते हैं तो इसे थोड़ा और गाढ़ा कर लीजिए और किसी भी प्लेट में इसे सेट कर लेना तो आपकी बर्फी बनके तैयार हो जाएगी। लेकिन आज मैं बना रही हूँ हलवा तो कर दूंगी फ्लेम को बंद और गर्मा गर्म ही इसे करेंगे सर्व। तो कैसी लगी दोस्तों आज की मेरी रेसिपी, प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर से बताना। और आपके घर में लौकी से क्या क्या डिश बनाई जाती है वो भी मेरे साथ शेयर करना। और मुझे सपोर्ट करने के लिए दोस्तों टेस्टी ट्रीट्स विद नीतू को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।